इस बार बढ़िया बासमती चावल नहीं आई, सोनमुखी मूंग की दाल नहीं आई, सोयाबीन की बरी नहीं आई, काजू बादाम कुछ भी नहीं आया। लगता है जमींदार बाबू, ये लोग तो आपसे बिल्कुल ही नहीं डरते। दरअसल जमींदार बाबू, बाजार में सारी चीजें महंगी हो गई है ना, बिना पैसों के ये सब कहाँ से ले आऊँ मैं। इस बार छोड़ दीजिए, अगले महीने आपको जो जो माल चाहिए मैं वो सब लाऊंगा। अरे रुको रुको, ए हरी, रघु पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दो, वरना खैर नहीं। हाँ, वरना खैर नहीं, खैर नहीं। अब ऐसे काम तो नहीं चलेगा, दोगुने राशन के साथ 500 रुपए का जुर्माना। इस शैतान जमींदार से पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी मुझे। क्यों काका, तबीयत तो ठीक है ना? क्या तबीयत ठीक रहेगी बेटा, जानते हो बिना पैसों के कितने रुपयों का माल उस जमींदार के हर महीने घर जाता है? पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, क्या तुम इस गांव में नए आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो शहर से आए हैं काका, वो असीम चाचा है ना, हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, मैं चुन्नू हूँ। और मैं चुन्नू की बहन मुन्नी। चाचा जी के गुजर जाने के बाद सोचा कि उनके खाली घर को जरा देख आए। अच्छा अच्छा, असीम भैया के घर के हो, अच्छा अच्छा। दरअसल तुम्हारे चाचा जी हमारे गाँव के एकमात्र इंसान थे जो उस जमींदार के अत्याचार का विरोध करते थे। चल बहन, अब असली काम करने का वक्त आ गया है, समझ गई? असली काम, पर वो क्या है? इस रघु बनिए का सारा दुख अभी दूर करता हूँ मैं, पर उससे पहले शहर से आए इन चूजों पर कड़ी नजर रखकर ये समझाना पड़ेगा कि ये हरी राम क्या चीज है। पर भैया, आपने उस वक्त नहीं बताया कि असली काम क्या है। क्यों, जमींदार बाबू को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, जिस तरह से वो गांव के लोगों को रोज लूटते हैं। हाँ। पर वो आप कैसे करेंगे? बस बेवकूफ बनाकर। अरे जमींदार को बेवकूफ बनाना तो मेरे पाए हाथ का खेल है। कल सुबह तो होने दो, उसके बाद तुम्हें मजा चखाता हूँ। ए, चलो चलो, जमींदार बाबू ने तुम्हें बुलवाया है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझे बेवकूफ बनाएगा? वही तो, इस पिद्दी की हिम्मत तो कम नहीं है। आखिर ये बात जमींदार के कानों तक पहुंच कैसे गई? ए हरी, इसे बोल के मुझे अभी कभी बेवकूफ बनाए, बोल। देखिए, आपको बेवकूफ बनाना ये कौन सा बड़ा काम है? हमारे शहर में ना अब बेवकूफ बनाने की अब बहुत सारी मशीनें हैं। हाँ, गांवों में वो सब चीजें अभी तक पहुँची नहीं। बेवकूफ बनाने की मशीन? मुझे क्या लगा कि मैं उन मशीनों के बारे में सुनकर डर गया? जाके अपनी मशीन लेकर आ जा, उसके बाद मुझे बेवकूफ बना कर दिखाना तू। वो तो मैं चला ही जाता, पर पैरों में इतना दर्द है ना, उफ। ऊपर से वो मशीन भी बहुत भारी है, उसे लाने के लिए कुछ और लोग चाहिए होंगे। अरे हरी, जाओ जाके इसे साइकिल भी दे दो, और तू साइकिल से वो मशीन लेकर आ जल्दी, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, जा। हाँ जाओ, पर जल्दी से लौट आना। अरे उस लड़के को मशीन लाने में कितना वक्त लग गया? वही तो, ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिए, कहीं साइकिल की चेन तो खराब नहीं हो गई? तुम चुप करो मूर्ख इंसान कहीं के। जमींदार बाबू, बना दिया। क्या बना दिया? फिर से तुम मुझसे पहले सवाल कर रहे हो? मैं जमींदार हूँ, सवाल करने का हक सबसे पहले मेरा है, अगर फिर से ऐसी बेवकूफी करी ना तो मैं माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है, पर तू ये बता कि किसने बनाया, क्या बनाया और कब बनाया, जल्दी बता, चल। जी मालिक, उस लड़के ने आपको बेवकूफ बनाकर साइकिल ले जाकर दुकान में बेच दी है। मुझे बेवकूफ बनाया? ठीक है, मैं कल ही उसके घर जाऊंगा। हाँ हाँ, कल ही।
सुन मुन्नी, जमींदार बेवकूफ बन चुका है ये जानकर वो शांत नहीं बैठने वाला। पर अब आगे का काम बहुत ही दिमाग लगा कर करना होगा भैया। ए मुन्नी, अभी चावल की हांडी चूल्हे से उतार कर चूल्हा पानी से बुझा दे। अभी अभी तो चावल डाला है, फिर चूल्हा क्यों बुझा दूं? तू पहले बुझा ना, उसके बाद बताता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, जमींदार प्रताप नारायण को बेवकूफ बनाया। तुझे अंदाजा भी है मेरे गुस्से का? जी अब बताइए। दरअसल वो बिना आग के खाना पका रहा हूँ ना, तो अगर मंत्र अच्छे से नहीं पढ़ा तो चावल पकते ही नहीं है। बिना आग के खाना? हाँ, ये देखिए इस टाइल पर रख के बिना आग के ही मंत्र पढ़ने से खाना पक जाता है। हाँ तो फिर ये टाइल्स मुझे चाहिए। ये मेरे स्वर्गीय दादाजी की है, इस गरीब का ये आखिरी सहारा है, ये मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करता है? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। देखिए अगर मेरी बहन चुप नहीं हुई तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मंत्र नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, क्योंकि अगर बहन दुखी रहेगी तो ये जादुई टाली काम भी नहीं करेगी। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। अरे इसे कुछ चॉकलेट दे दो। नहीं नहीं, चॉकलेट से काम नहीं बनेगा, मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ रुपए लेकर ही खुश होती है। ठीक है तो वो ही दे दो, जाओ। ये लीजिए, इस मुड़े हुए कागज पर ही मंत्र लिखा हुआ है। हाँ देखा, उसे लगा वो मुझे बेवकूफ बनाएगा, ऐसी धमकी दी है कि डर के मारे मुझे ये जादुई टाली देने पर मजबूर हो गया। मैजिक टाली जल जादुई आग, अब मैजिक टाली बना बढ़िया सा खाना। ये क्या बात हुई, इतनी देर हो गई फिर भी चावल अभी तक उबला ही नहीं। अब कोई बात नहीं, एक बार फिर देखता हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ। मैजिक टाली जला जादुई आग, अब मैजिक टाली बना बढ़िया सा खाना। तो क्या इस बार भी बेवकूफ बना दिया? सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए पैसे भी लिए हैं। हरे राम। सुन्नू को पिंजरे में बंदी बनाकर ऐसा ताला लगाओ कि वो ताला ना कोई तोड़ पाए और ना ही नकली चाबी से खोल पाए, और ऐसे लोहे से पिंजरा बनवाना कि उसे कोई भी ना काट पाए, ठीक है? उसके बाद वो पिंजरा तालाब में फेंक देना। इस बार मैं चुन्नू को चालाकी करने का मौका नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ये लीजिए, जमींदार की साइकिल बेचकर और टाली देकर बेवकूफ बनाकर कुछ पैसे मिले हैं मुझे, ये आप लोग रख लीजिए। चलो अच्छा हुआ इतने दिनों की मुसीबत अब टली। चमत्कार हो गया मालिक, चमत्कार हो गया। क्या हो गया बोलो? कल जिस पिंजरे में बंद करके चुन्नू को पानी में फेंक दिया था, वो पिंजरा फिर से पानी के ऊपर आ गया है, उसके अंदर चुन्नू आराम से बैठकर मजे कर रहा है। ये क्या, चलो चलकर देखते हैं। अरे ये क्या, तू ऊपर कैसे आ गया? सब इस पिंजरे का जादू है जमींदार बाबू, ये कोई लोहे का पिंजरा नहीं है जमींदार बाबू। हाँ ये बांस का पिंजरा है, अगर यकीन ना हो तो अंदर आके देख लीजिए। ये क्या हरी, तुझे एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाया। मैं तो लोहे का पिंजरा ही लाया था मालिक। अच्छा ऐसा है, तो रुक एक बार मैं जाँच करके आता हूँ, उसके बाद तेरी खबर लेता हूँ। चल चाबी ले। अरे चल खोल, चाबी दे पहले। नहीं दूंगा। हरी, तेरे पास नकली चाबी है ना?
जी, इस ताले की तो एक ही चाबी बनवाई थी मालिक। आप ही ने तो कहा था ना कि ऐसा ताला बनवाना जिसे कोई तोड़ भी ना पाए या फिर नकली चाबी से खोल भी ना पाए, और ऐसे लोहे से पिंजरा बनवाना जिसे कोई काट भी ना पाए। अच्छा, तो फिर ये चाबी भी गई पानी में। ये लो। बहुत अच्छा हुआ। मंदी बने रही है, धूप बारिश आंधी तूफान सब में। तूने फिर से बेवकूफ बनाया मुझे। पर ये सब हुआ कैसे? इससे। आओ आओ, वो देखो, वो रही पपीते की डंठल। भैया वहीं पर है। मेरा क्या होगा? चिंता मत करिए मालिक, आपके बदले में जमींदारी मैं करूँगा। हरिराम! अच्छा, ऐसी बात है। जमींदार को तो चुन्नू ने अकेले ही सबक सिखा दिया, अब तेरी बारी है। तुझे हम सबक सिखाएंगे। क्यों क्यों, आज तो तेरी खैर नहीं। बिल्कुल खैर नहीं। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ।